हाय गाइस, न्यूज़ ब्रदर। तो हम बात करने वाले हैं पुणे पोर्शा एक्सीडेंट के बारे में, जिसकी एक्सीडेंट कुछ समय पहले देखने को मिली थी। लेकिन होता क्या है कि उसमें उनके फैमिली मेंबर का बयान निकल के तो सामने आया ही था, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन उससे पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को सारी तमाम तरह की जानकारियां दी थी। लेकिन होता क्या है कि उनकी फैमिली से एक और शॉकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है कि जिस लड़के का एक्सीडेंट देखने को मिला था पोर्शा कार के द्वारा, लेकिन उनके बहुत ही जल्द शादी देखने को मिल रही थी। हालांकि इस एक्सीडेंट के द्वारा अब वो शादी देखने को नहीं मिल सकती है, जबकि यह उनके माता पिता का बोलना था कि अगर अपने बच्चे को गाड़ी दे रहे हो तो ऐसे बच्चे को नहीं देना चाहिए जिसको चलाने तक नहीं आता था। हालांकि उनकी बयान जो कि पिछले वीडियो में हमने आप सभी को दिखाया था। तो यार, इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। जब पोर्शा के बारे में बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। जबकि मुनव्वर फारूकी अपने ट्विटर पे पोस्ट करते हैं और जब वो पोर्शा खरीद सकता है तो वह बाकी चीजें भी तो खरीद ही लिया होगा ना, जो कि उनके ट्वीट बेहद ज्यादा वायरल रहती है, जो कि उनमें कई सारे लोग का अपने अपने तरीके की कमेंट भी है, जैसे चाहो तो आप रीड कर सकते हो। तो यार, इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शंस के बारे में, जो कि इलेक्शंस अभी देखने को मिल रही है। लेकिन इस इलेक्शंस के दौरान कुछ चीजें ऐसे हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो हम बात करने वाले हैं नाडियाड गुजरात के रहने वाले अंकित सोनी के बारे में, जिनकी एक वीडियो बेहद ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल जा रही है। लेकिन उस शख्स को 20 साल पहले करंट लगने के कारण उनके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन वो इलेक्शंस में वोटिंग कैसे की। हालांकि उनकी वीडियो जा रही है वायरल और उसमें देखने को मिलता है कि वो अपने पैरों से वोटिंग बूथ करते हैं और वहाँ पे इलेक्शंस के लिए वोटिंग भी करते हैं। और जबकि वो एक प्रेरणा लेते हैं अपने शिक्षक से, अपने अध्यापक से, उनको हौसला अफजाई मिलता है और फिर वो कहते हैं कि लोगों को घर से बाहर आना चाहिए, वोटिंग करना चाहिए और उन्हें जितानी चाहिए। छोटी सी क्लिप है ना, इसे आप देख सकते हो। पिछले 15-20 साल के पहले मुझे इलेक्ट्रिक शॉक के कारण मैंने दोनों हाथ घुमा दिए थे। उसके बाद मैंने अपने टीचर्स और अपने गुरु के आशीर्वाद से ड्राइंग करना शुरू किया। उसके बाद मैं लिखना शुरू किया। उसके बाद मैं स्कूल में गया, 10वीं 12वीं मैं उत्तीर्ण नंबर से पास हुआ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मैं CS किया, CS के बाद मैंने MBA किया और अभी मैं PhD की तरफ अग्रसर हूँ। अभी मैं अपनी सारी वो जो क्रिया होती है वो पांव से करता हूँ। मैंने अभी अभी आपने देखा कि मैं 15-20 साल से यही पक्ष से पांव से मतदान करता आ रहा हूँ। तो मेरे आपसे नम्र अपील है कि आप अभी भी जो आपने वोट नहीं किया है, आप नजदीकी बूथ पे जाइए और अपना कीमती वोट देकर आइए। अपडेट के बारे में तो हम बात करने वाले हैं ओसामा बिन लादेन के बारे में। जबकि आपसे भी पता होगा कि ओसामा बिन लादेन पेशे से एक लीडर, पेशे से एक आतंकवादी भी देखने को मिला है। लेकिन होता क्या है कि ओसामा बिन लादेन के नाम की एक बियर की बोतल जो कि सोशल मीडिया पे बेहद ज्यादा वायरल हो जाती है, जिसमें कि देखने को मिलता है कि ओसामा बिन लादेन नाम की एक बियर बिक्री है, जिसे देख कई सारे लोगों ने उस चीज को मंगवाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये निकल के सामने आता है। लेकिन उस बियर की ज्यादा डिमांड के कारण मिशेल ब्रोइंग कंपनी, जो कि उसे इमरजेंसी के तौर पे बंद कर दिया गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी वेबसाइट पे भी ये चीज बिक रही थी, जिसके कारण से उनके पास फोन कॉल बहुत सारे आने लगे थे, जिसके कारण से उनको कंपनी बंद करनी पड़ी। इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं टिंकेश कौशिक के बारे में। टिंकेश कौशिक लगभग 30 ईयर के रहते हैं, गोवा पणजी के रहने वाले हैं, लेकिन वो देखने को मिलते हैं माउंट एवरेस्ट पे, जबकि उनके एक हाथ नहीं रहते हैं और ना ही उनके दोनों पैर रहते हैं, जबकि 3 विकलांग रूप में मान्यता मिली है। और यह बताया जाता है कि उन्होंने लगभग माउंट एवरेस्ट के बेस पे उन्होंने अकेले ही दम पे वो अपने जगहों पे पहुंच जाते हैं और वो उस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलीज करते हैं, जबकि ये निकल के सामने आता है जो कि समुद्र तल से 17,598 फीट जो कि उन्होंने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेते हैं। और वहीं पे देखने को मिलते हैं कि 11 मई को वो निकलते हैं और वो सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। तो यार, इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बारे में और वहां से निकल के आता है बड़ा ही शॉकिंग न्यूज़,
यह बताया जाता है कि वहां पे एक शादी देखने को मिलती है जो कि बराती आई हुई होती है, लेकिन होता क्या है कि जयमाला की जो टाइमिंग होती है ना, उसी टाइमिंग पे दूल्हा क्या करता है, दुल्हन को कर लेता है, जिसके कारण से दुल्हन के परिवार को ये सारी चीजें ठीक नहीं लगती है और ना ही दूल्हे के परिवार की तरफ से, और दोनों में देखने को मिलते हैं छोटी सी क्लैश, और उसी क्लैश के दौरान ये सामने निकल के आते हैं लगभग दर्जन भर लोगों को अरेस्ट किया जाता है और उनमें से चार पांच ऐसे रहते हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। तो यार इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं गोविंदा के बारे में। गोविंदा जो कि इस वक्त पॉलिटिशियंस में देखने को मिले हैं, लेकिन इस वक्त गोविंदा को बेहद ज्यादा ट्रोलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन होता है क्या है कि गोविंदा अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ देखने को मिलते हैं, उनके साथ फोटो क्लिक कराते हैं, जो कि उसी फोटो को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं और उसी पोस्ट के दौरान कई सारे लोग ट्रोलिंग भी शुरू कर देते हैं। लेकिन गोविंदा कैप्शन में लिखते हुए बोलते हैं कि मुंबई में अभियान के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलना बड़ा ही सम्मान की बात है। इसी चीज को देखते हुए उनके कॉमेंट बॉक्स में अगर चेक करते हो तो कुछ इस तरीके से लोग ट्रोलिंग शुरू कर दिए हैं। तो यार इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं मनोज दे के बारे में। मनोज दे जो कि यूट्यूब क्रिएटर है, वो लोगों को तरीके बताते हैं यूट्यूब चैनल से रिलेटेड। लेकिन होता क्या है कि उन्होंने किसी बंदे की एक हेल्प करते हैं और उस हेल्प में वो जो कि उनको प्रमोट भी करते हैं, यहाँ तक उनको सपोर्ट करने के लिए लोगों से बोलते भी है। लेकिन होता क्या है कि वही बंदा सामने वाले यानी कि मनोज दे को और उनकी ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से कुछ अलग तरीके की बातें करता है, जिसके कारण से मनोज दे ने उसी चीज को अपने पोस्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने इसे सपोर्ट किया, बहुत ही ज्यादा सहायता की, लेकिन वो आज मेरे ऊपर गलत तरीके की ऑडियंस के बारे में बताता है। तो हो सकता है बहुत ही जल्द उसके ऊपर एक वीडियो आने वाला है मनोज दे के चैनल पे। तो यार इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं अपने चैनल के बारे में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, जिससे कि वीडियो की रीच बढ़ती है।